नमस्ते, सुगंधाज किचन में आपका स्वागत है। आज हम बनाएंगे बच्चों के लिए बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रंची चॉकलेट मिठाई। अगर आपके बच्चे मिठाई ना खा रहे हों तो आप इस चॉकलेट मिठाई को बना करके दें, बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। बच्चे के अब बड़े भी बहुत पसंद से खाएंगे। इसमें हम ना डालेंगे चीनी, ना ही दूध, ना ही घी, सिर्फ एक चीज़ से बनाए ये बहुत ही टेस्टी मिठाई। इसे बनाने के लिए क्या करें कि सबसे पहले केक टिन को लें। यहाँ पर मैंने केक टिन को लिया है, आप कोई भी बड़ा सा प्लेट को ले सकते हैं या आप इसे किसी टिफ़िन बॉक्स में भी इसे बना सकते हैं। लेकिन किसी चीज़ में भी बनाएं, आप उसे तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर दें या आप इसमें बटर पेपर को भी लगा सकते हैं। और अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप इसे सिर्फ तेल से ही ग्रीस करें और इसे साइड में रखें। और यहाँ पर लेंगे चॉकलेट, तो यहाँ पर मैंने देखिए अमूल का डार्क चॉकलेट को लिया है, आप कोई सा भी चॉकलेट को ले सकते हैं। बच्चों को मिठाई की अपेक्षा चॉकलेट बहुत पसंद होता है, इसलिए इस रेसिपी को हम सिर्फ चॉकलेट से ही बनाएंगे। दीपावली पर बच्चों को ये चॉकलेट की रेसिपी आप बना करके दें, बच्चे बहुत खुश होंगे। और तब क्या करें कि चॉकलेट को काट लें। आप चॉकलेट को काट भी सकते हैं या इसे तोड़ भी सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने चॉकलेट को काट लिया है और इसे साइड में रखेंगे। और यहाँ पे क्या करें कि दो पैकेट ये हमने लिया है डेरी मिल्क चॉकलेट, इसे भी इस तरह हाथों से तोड़ लें। यहाँ पर मैंने जो 20 रुपये वाला डेरी मिल्क आता है ना, उसे लिया है। आप चाहे तो कोई सा भी चॉकलेट को ले सकते हैं। और ये जो डेरी मिल्क होता है ना, बच्चों को बहुत पसंद होता है। और ये जो चॉकलेट होता है थोड़ा सा ज़्यादा ही मीठा होता है। और तब क्या करें कि केक टिन को लें, जो हमने तेल से अच्छी तरह से ग्रीस किया था वे केक टिन को लें और इसमें डाल देंगे ये डार्क चॉकलेट। ये डार्क चॉकलेट है जो बहुत ही कम मीठा होता है। और क्या करें कि डार्क चॉकलेट रखने के बाद रखते ये डेरी मिल्क चॉकलेट, तो कहीं कहीं आप डार्क चॉकलेट रखते और कहीं कहीं रखते ये डेरी मिल्क चॉकलेट। और यहाँ पे देखिए हमने कहीं कहीं डेरी मिल्क और कहीं कहीं डार्क चॉकलेट रख दिया है, क्योंकि इसमें हम चीनी नहीं डालेंगे। और तब क्या करेंगे कि यहाँ पे लेंगे ये वाइट चॉकलेट। ये वाइट चॉकलेट को हमने अच्छी तरह से ग्रेट कर लिया है। आप वाइट चॉकलेट को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें और उसे इस तरह से ग्रेट कर लें, तो आप बहुत ही आसानी से इसे ग्रेट कर सकते हैं। और तब क्या करें कि यहाँ पर जो हमने डार्क चॉकलेट और डेरी मिल्क चॉकलेट को रखा था, इसी के ऊपर हम ये डाल देंगे वाइट चॉकलेट। वैसे मैंने यहाँ पे वाइट चॉकलेट को ग्रेट कर लिया है, आप बिना ग्रेट किए हुए भी इसे डाल सकते हैं। लेकिन ग्रेट करके डालने से जो आपकी रेसिपी है बहुत ही जल्दी और बहुत ही टेस्टी बनेगी। मैंने इस केक टिन में पहले डार्क चॉकलेट रखा था, आप चाहें तो पहले वाइट चॉकलेट के ऊपर ये डार्क चॉकलेट और डेरी मिल्क चॉकलेट को रख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हमने सारे वाइट चॉकलेट को डाल दिया है और उसे इस तरह से अच्छी तरह से कवर कर दें। और अब चलेंगे हम गैस के पास। गैस पर एक पैन चढ़ा दें और उसमें आधा ग्लास के करीब पानी डाल दें और उसमें एक स्टैंड डाल दें और उसके ऊपर ये चॉकलेट टिन को डाल करके इसे ढक दें। और क्या करेंगे कि बस 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे इस चॉकलेट को हल्का सा मेल्ट करें, बहुत ज़्यादा इसे मेल्ट ना करें। और 5 मिनट के बाद इसे चेक कर लेंगे, तो एक टूथपिक लें और टूथपिक को क्या करें कि चॉकलेट में डाल करके देखें कि ये हल्का सा मेल्ट हुआ है या नहीं, तो चेक कर लेते हैं इसे। और यहाँ देखिए जो हमारा चॉकलेट है अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है, इसे हम पूरी तरह से मेल्ट नहीं करेंगे। और तब क्या करें कि इसे हम पैन से निकाल लेंगे। और तब क्या करें कि एक टूथपिक लें और टूथपिक की सहायता से इस तरह से चॉकलेट को काट दें, जैसे चाहे वैसे केक चॉकलेट को काट दें। ध्यान रहे कि इसे हम ठंडा नहीं करेंगे, जब आपका चॉकलेट गर्म हो तभी इसे इस तरह से काटें। और यहाँ देखिए हमने चॉकलेट को इस तरह से रफली काट लिया है। और तब क्या करेंगे कि इसमें हम डाल देंगे सीसम सीड्स, जिसे हम सादा तिल भी बोलते हैं। इस तिल को हल्का सा रोस्ट कर लें और तब इसमें डालें। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो नहीं डालें, लेकिन इसका जो टेस्ट होता है ना बहुत ही अच्छा आता है, तो थोड़े से वाइट तिल को ज़रूर डालें।
और डाल देंगे ये रोस्ट किया हुआ काजू है, इसे भी डाल दें। ये भी ऑप्शनल है, अगर नहीं पसंद तो नहीं डालें। काजू को थोड़ा सा तोड़ लें। यहाँ पर मैंने काजू को डाला है, आप चाहे तो आलमंड्स को भी डाल सकते हैं। और साथ में डाल देंगे थोड़े से चॉप किया हुआ ये पिस्ता है, इसे भी डाल दें। ये सारे चीज़ ऑप्शनल है, अगर इसमें से कोई ड्राई फ्रूट्स नहीं पसंद तो नहीं डालें। मैं इसमें थोड़े से काजू को और डाल देती हूँ। काजू डालने से जो आपका चॉकलेट है ना, बहुत ही क्रंची बनेगा। और तब क्या करें कि स्पैचुला लें, स्पैचुला की सहायता से हल्का हल्का इसे प्रेस कर दें ताकि जो आपका काजू है बिल्कुल भी ना गिरे। इसे हम थोड़ा सा और डेकोरेट करेंगे, वरना ये तो ऐसे ही खाने में बहुत ही टेस्टी लगेगा। चॉकलेट सिरप लें, बस उसे हल्का सा इस तरह से डिजाइन बना दें और इसे फ्रिज में रख दें 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो चॉकलेट है बहुत अच्छी तरह से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद ये देखिए जो हमारा चॉकलेट है बहुत ही अच्छी तरह से ठंडा हो गया है, तो इसे अनमोल्ड कर लें। तो एक प्लेट लें और उसे इस तरह से पलट करके हल्का सा टैप करें। ये देखिए हमारा कितना अच्छा चॉकलेट बनकर के रेडी है। देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है देखने में, आपके मुंह में भी पानी आ रहा है ना, बच्चे तो बहुत खुश होंगे। तो अब इस चॉकलेट को काटे नहीं, इस तरह से तोड़ लें। ये देखिए बहुत ही टेस्टी, बहुत ही क्रंची हमारा ये चॉकलेट का मिठाई बनकर के रेडी है। इस चॉकलेट मिठाई को बच्चे क्या बड़े भी बहुत पसंद से खाएंगे। तो यहाँ पे हम सारे चॉकलेट को तोड़ लेते हैं। तो इस दीपावली में अगर आपके बच्चे मिठाई ना खा रहे हों तो कोई बात नहीं, आप बच्चे को ये चॉकलेट मिठाई बना करके दें, बच्चे बहुत पसंद से खाएंगे। तो आप इस मिठाई को ज़रूर ट्राई करें।